नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं नहर पार सोसाइटी। क्या नाम है सोसाइटी? टीडीआई रिट्रीट सेक्टर 89 में। और समस्या क्या है वो बताएंगे आपको। 25 घंटे के बाद बिजली जली है, तो आप मेरी शक्ल देख पा रहे हैं और तमाम लोगों की शक्ल देख पा रहे हैं, वरना जो समस्याएं थी वो समस्याएं क्या क्या समस्याएं आ रही थी सर? सबसे पहले समस्या है जी, लाइट पिछले हर महीने में एक बार तो ऐसा होता है 15-15, 20-20 घंटे के लिए लाइट गैप हो जाती है। कोई इसका टेक केयर करने वाला नहीं है, टीडीआई की मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है, टीडीआई की यहाँ साइट के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है। हम स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी इनको पिछले कई महीनों से बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइटें लगवा दीजिए, हमारी कोई सपोर्ट चाहिए तो वी आर रेडी टू डू दैट। हम किसी तरह की भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बट कोई स्थाई है इसलिए आप देख लें, ये जो समस्या स्थाई है उसके लिए स्थाई रूप से एक पोस्टर बनाया गया है, नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो हाउसकीपिंग, नो मेंटेनेंस। बाकी आपकी मर्जी, आप समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं। समस्या क्या है फरीदाबाद कि तमाम लोग यहाँ जो इन सोसाइटीज़ में आकर बस रहे हैं वो जगह जगह से आते हैं, अलग अलग इलाकों में आते हैं, और वो लोग सुबह अपने काम के लिए निकल जाते हैं और शाम को देर से लौटते हैं। वो केवल सोने के लिए इन सोसाइटीज़ में आते हैं, खूब अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं इन सोसाइटीज़ में, लेकिन यहाँ जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका अभाव रहता है। और बात करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे। जी, बिजली नहीं थी 25 घंटे से। हाँ जी सर, बिल्कुल बिजली नहीं थी 25 घंटे से। वी वर नॉट अवेयर कि ऐसी इस सोसाइटी में ऐसी कंडीशन होगी। मैं आईपी में रहता था पहले, ठीक है, एंड आई वाज शिफ्टेड टू दिस सोसाइटी, ठीक है, कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी, रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे सर प्रॉपर नहीं है। वी आर फेसिंग सो लॉट्स ऑफ इशू ऑन डेली बेसिस। आईपी को मिस करते हैं अब तो करना कर ही रहे हैं सर आईपी को। वी आर मिसिंग आईपी। यस, कंजेस्टेड तो थी आईपी, लेकिन ये सब समस्याएं तो नहीं थी सर। एटलीस्ट ये सब कुछ वहाँ पे बेटर था, ठीक है। अगर 25 घंटे बिजली नहीं है, ठीक है, ऑफिस का काम है, हमारे लैपटॉप बंद है, तो व्हाट वी शुड डू इन दैट केस, ठीक है। तो हम स्टिल लाइक ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग। हमारे गांव भी बढ़िया, इतनी जो करी 25 घंटे हो लिए लाइट न, तो गांव में तो ट्रेली भर कर तक दे के जा लेते। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली दे रही है उनकी सरकार गाँव में। हाँ, गाँव में दे रहे हैं जी, ये कोई झूठी बात नहीं। गांव के हम भी। कौन से गांव से हैं आप? हम सिसाने तो हैं। सिसाना कौन से जिले में पड़ता है? सिसाना सोनीपत में। सोनीपत, हाँ। पूरी आ रही है गांव में? आ रही है जी, बिजली है, फिर चली गई था, 2 घंटे में लाइट आ ली है। अच्छा। पर यो जो ई प्रॉब्लम हो रही है ना, इतनी कदे भी नहीं देखी थी हमने, जो ई सोसाइटी में हो रही है, देख लो 24 घंटे तभी कूदगी। आज का नहीं है सर, ये बार बार। क्या नाम आपका? ये मेरा नाम सविता है। और आपका क्या नाम है? मेरा शीला है। यहाँ पे बार बार लाइट जाती है और 6-6, 7-7 घंटे नहीं आती। यहाँ पे सब परेशानियाँ है, हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान है। बूढ़े भी है जो ये कर रहे हैं, बिना बिजली पानी ना पात ना, बिना बिजली, बिजली सब सुन, बिन बिजली सब सुन। पहले था कि बिन पानी सब सुन, अब बिन बिजली सब सुन। हाँ जी, बच्चों को आज स्कूल नहीं भेजा है ड्यू टू 5 o'clock वो सोए हैं, तो कैसे मैं उनको 6 o'clock उठा के स्कूल भेज देती? आप बताइए, बच्चे स्कूल नहीं गए, पूरा दिन उन्होंने इतना रेस्टलेस निकाला है, पूरा दिन इन्वर्टर बैक ऑफ हो गया, इन्वर्टर भी बंद हो गया, सारे के सारे मतलब पूरा का पूरा अंधेरे में था। तो ये तो मतलब एक हाई फाई सोसाइटी में और पॉश कॉलोनीज में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वेरी बैड थिंग। ऑफिस वर्क नहीं कर पाए हम, ऑफिस वर्क नहीं कर पाए, आज ऑफ लेना, वर्क फ्रॉम होम करना था, नहीं चल रहा है। हाँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट हम वो नहीं कर पाए बिकॉज यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, आप देखो स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है, मतलब आज की बिजली नहीं जलती है, यहाँ देख सकते हैं आप, दिखा दें थोड़ा सा, सड़क की बिजली यहाँ नहीं जलती है, ये तो कोई कोई सर, ये इस साइड जल रही है, बैक साइड आप जाएंगे तो पूरा का पूरा बैक ऑफ है, अंधकार में डूबा पड़ा है टीडीआई द रिट्रीट। जी, यहाँ पर जो है मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, आप देख लीजिए जो भी फ्री खाली प्लॉट्स है उसके ऊपर देखिए घास वास है ना, पूरे जंगल वो रखा है, और क्लीनिंग के लिए बोलते हैं कोई करता ही नहीं है। आप बताएं क्या, और हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं आजकल, वो लाइट नहीं आ रही है क्योंकि, और गर्मी से भी पेपर हो रहे, लाइट नहीं आ रही है, गर्मी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, पेपर हो रहे हैं। जी,
स्नेक्स निकल रहे हैं, स्नेक्स निकल रहे हैं और रिसेंटली अभी कितने वीडियोस अपलोड किए हैं कि यहाँ पर स्नेक्स ही निकलते रहते हैं। बच्चों को हमने पार्क में भेजना बंद कर दिया है ड्यू टू जस्ट प्लॉट वैकेंट पले हुए हैं और उनको विल्डर्स देख नहीं रहे हैं। उनके घरों में आकर हम रहने लगेंगे तो क्या होगा? उनके घरों में तो हमें पहले पता होता तो हम इतना इन्वेस्ट नहीं करते ना यहाँ पर। इतना इन्वेस्ट तनेजा जी ने ठग लिया है, तनेजा जी से लिया होगा, लेकिन हमने तो अपना सारा कुछ लगा दिया ना यहाँ पर। पार्क में रात को बहुत अंधेरा होता है, रात को बैठा नहीं जा रहा था और सियाप भी निकलते रोज, हर रोज निकलते हैं। आप निकल रहे हैं। ट्रांसफार्मर भी हमारा अपना नहीं है ट्रांसफार्मर, अभी तक वो भी रेंटेड है, वो नहीं पता किस दिन बंद हो जाएगा। रेंट पे लिया हुआ ट्रांसफार्मर है, वो बंद हो गया तो लाइट रहेगी ही नहीं बिल्कुल भी। 26 घंटे लाइट नहीं आई, हम में से कुछ लोग सारी रात उनके साथ वर्क करते रहे, वहीं पे रहे जाके 31 सेक्टर ऑल द नाइट। मैं मेरे बच्चे बालकनी में ही थे। अच्छी हवा आ रही थी, ठंडी हवा बिल्कुल नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी। इट वाज हॉरिबल। मच्छर कितने हैं बताओ, रैकेट लेके मारो, रैकेट भी बंद हो गया, क्या करेंगे बताओ। पर अभी जब मुझे फोन किया गया तो बताया गया बिजली नहीं है, लेकिन अभी जब हम लोग पहुंचे तो बिजली आ गई। बिजली अभी अभी आई है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज मलिक है जी। अभी मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ हुड्डा सेक्टर 8 से, बट जैसे इन्होंने बताया कि हम मिस ही कर रहे हैं वो पुराने सेक्टर्स को। अभी हमारे दो मेजर इश्यूज हैं। यही है, इतना बड़ा पार्क है सामने, लोग मिस करते हैं। अरे सर आज तक देखो, इन्होंने रेरा अप्रूव सोसाइटी है पर इनके पास एसटीपी नहीं है। एसटीपी नहीं है जी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नहीं है सिस्टम इनके पास। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने रेरा वालों ने अप्रूव कैसे कर दिया। आज हम जाके, आज भी वो ट्रैक्टर आता है उसमें गंदा पानी भर के बाहर लेके जाके पता नहीं कहाँ पे छोड़ते हैं, नहरों में छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं। आज हम जाके एफएमडीए में भी बात करके आए हैं, डीटीपी के पास भी ज्ञापन देकर आए हैं, जेन बीएनआर वाले को भी देकर आए हैं, डीटीपी को भी दिया है, देखते हैं उसका क्या होता है। हम लोग दुखी हो गए इधर इन्वेस्ट करके। क्या नाम है आपका? एमएम सहानी। ये पार्क वगैरह को देख के हम ही आए थे, हम भी सेक्टर 8 से आए हैं। अच्छा, इतना बड़ा सूरदास पार्क है वहाँ तो। हाँ बहुत अच्छा है जी, इससे तो बहुत अच्छा है वहाँ पर। यहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पर, यहाँ कुछ फैसिलिटीज नहीं है जी। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुश घेलावत। कल रात को मैं सो रहा था, मैं 2 बजे तक नहीं सो पाया, चार घंटे मैं उठा रहा, 11 बजे सोने की कोशिश कर रहा था, चार घंटे नहीं सो पाया जी। क्या नाम है आपका? अयांश। क्या हुआ अयांश? थोड़ा सा इधर आ जाओ यार, रोशनी में दिखाओ। मैं सो भी नहीं पाया था, मैं 5 घंटे जगा रहा। स्कूल गए आज नहीं गए? आज गया था। गए थे? हाँ। अच्छा कौन कौन नहीं गया? आप गए थे आज स्कूल? नहीं गए थे? नहीं गई थी, छुट्टी करा दी मम्मी ने। और हम हमें बुखार तक चढ़ रहा है क्योंकि। तो अच्छा हो गया, छुट्टी हो गई, आज स्कूल नहीं जाना हुआ, मजा आ गया। हाँ पर ये लाइट इतनी देर तक नहीं आ रही है, ये तो अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है कि बिजली इतनी देर तक नहीं आती है। और जी आप आइए थोड़ा। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगन है। जैसे लाइट नहीं है तो पानी नहीं आता, और पानी के बिना सारे पेड़ पौधे सूखे हुए, और इतनी परेशानी है, सबने मिलजुल करके पौधे लगवाए बरसातों में इतने सारे, और बिना पानी के वो सूख रहे हैं, बिना पानी के सूख रहे हैं जी। मेरा नाम प्रभा गुप्ता है। यहाँ देखने को तो बहुत अच्छी सोसाइटी देखने में दिख रही है। कहाँ से आए यहाँ रहने के लिए? मैं जम्मू से हूँ। सुंदर लगी ये सोसाइटी आपको? पार्क को देख के आए थे, पर ये लाइट जाने का, हम 4th फ्लोर में रहते हैं, हमें ज्यादा दिक्कत होती है, लिफ्ट बंद हो जाती है, हम नीचे उतर नहीं पाते हैं। हाँ सीनियर सिटीजन है, लिफ्ट की हमें इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है, हम 4th फ्लोर वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। 4th फ्लोर पे हवा ठंडी चल रही होती है ऊपर, पर कभी नहीं चढ़ेगा कौन? हाँ? सीनियर सिटीजन बिना लिफ्ट के चढ़ेगा कैसे? हवा कहाँ से खाएगा बताओ? कहते सुनते नहीं है यहाँ के नेताओं को, यहाँ के कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, फर्क नहीं पड़ता। मालियों को हम खुद खड़े होकर के, मैं खुद खड़ी होती हूँ तब भी पानी देने को। कृष्ण पाल जी तो भारत सरकार में बिजली के मंत्री हैं। सुन रहा जी, सब कृष्ण पाल रहता 28 सेक्टर में, हम रहते 89 में, तो कितनी दूर पड़ जाता है? फिर भी हमारे प्रतिनिधि हैं तो उनसे नहीं करता, नहीं सुनता कोई, कोई सुनवाई नहीं, कहने की बात है। पर आएगा तो मोदी आएगा तो मोदी जी, वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो आएगा। नागर साहब अभी हमारे मंदिर के इनॉग्रेशन में आए थे, तो बात हुई थी उनसे, तो उनसे बोला था कि हमारी रोड्स बहुत खराब हैं, यहाँ पर बहुत कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। ही सेड कि हाँ विद इन 2 मंथ्स ये हो जाएगा,
बट अभी तक आई थिंक 15 दिन से ऊपर हो गए आंटी, 15-20 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ पर कुछ वर्क शुरू नहीं, 2 मंथ्स अभी कंप्लीट होने में नहीं है। 60 दिन तो नहीं हुए? 2 मंथ नहीं हुए, दो वो हो जाएंगे 60 दिन, ऐसे निकल जाएगा। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं तमाम लोग जी, मेन चीज जो है यहाँ पे एसटीपी नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, टीडीआई के बेसिक जो जिसके लिए हम लोगों ने आईएफएमएस सब कुछ दिया हुआ है, वो फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है। हम लोग यही चीज, लाइट नहीं होती, अंधेरा हो जाता है सारा जगह, शाम को बच्चे बूढ़े सब कोई निकलना बंद कर दिया, इसी मरे आप देख ही सकते हैं पूरा स्ट्रीट लाइट, इधर स्ट्रीट लाइट में लाइट्स नहीं चल रहा, तमराज किल्विश का साम्राज्य हो जाता है। आज मैं स्कूल से आ रही थी, मेरा बैग भारी था, लेकिन फिर जब मैं आ रही थी और जब सीढ़ी चल रही थी है ना, तो बैग बहुत भारी था और लिफ्ट नहीं चल रही थी, चौथी मंजिल तक लिफ्ट नहीं चल। वही बात है कि लाइट नहीं होती, लाइट ना होने की वजह से जितना सारा अंधेरा हो जाता है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, पार्क इसलिए लोगों ने लिया था कि पार्क को देखे, बच्चे पार्क में नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ सांप दिखते हैं, इतने सारे इन दिनों के अंदर सांप निकल रहे हैं कि लाइट ना होने की वजह से सबको डर लग रहा है कि वी आर लिविंग इन ए हाई राइज मतलब गुड सोसाइटी और जहाँ भी जंगल में रह रहे हैं, ये इस तरह की फीलिंग आनी शुरू होगी कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद, इतना हार्ड मनी अपना सर्विस क्लास बंदे हैं सारे, इतना हार्ड मनी लगाने के बाद भी हमें ये फीलिंग आ रही है कि जैसे हम जंगल में रह रहे हैं, वी आर नॉट लिविंग इन ए गुड सोसाइटी, जो हम देख के आए थे, जिस चीज़ के हमने सुना था कि ये बहुत अच्छी सोसाइटी है। वेस्ट है पूरा, लाठी के दम पे चले गए, फिर तो जब पड़ेगी ना लाठिया तब सब अक्ल ठिकाने आएगी इनकी। तो आप देख सकते हैं लोगों की समस्या को, इतने मेल्स जा रहे हैं, इतनी लेटर्स जा रही हैं, इतने कॉल्स जा रहे हैं, बट दे आर नॉट बॉदर टू रिस्पोंड ऑन दैट, नथिंग। खाली जवाब दिया था, एक जवाब दिया था जब इलेक्ट्रिसिटी का रेट्स का पूछा था पिछले 2 साल में, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस रेगुलर बेसिस पे राइट अप टिल मिस्टर कमल तनेजा के साथ मैं कर रहा हूँ, एक जवाब आया था बस, दैट्स ऑल, विशाल भाटिया का, अदरवाइज कोई जवाब नहीं आया, नहीं विशाल भाटिया का है तो बस, अदरवाइज कोई जवाब देने का कोई वो सीन ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, यहाँ द रिट्रीट में हम लोग फिलहाल खड़े हैं, टीडीआई का रिट्रीट है और वहाँ कितनी सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, बिजली तो एक बड़ा इशू है यहाँ, 25-25 घंटे बिजली गायब रहती है और छोटे छोटे बच्चे उसकी वजह से, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी और तमाम लोग जी, वो कितना कितना इसकी वजह से परेशान रहते हैं वो आपने सब सुना, और यहाँ जो पार्क में निकलने वाले सांप हैं उन सांपों की वजह से भी लोगों में खासा रोष है, आक्रोशित हैं, सहमे हुए भी हैं और डरे हुए भी हैं, जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है, यही बात ना सर, यही बात ना सर जी, रिक्वेस्ट है कि हमें बेसिक फैसिलिटीज दे दी जाए, एसटीपी दे दिया जाए, ट्रांसफार्मर हमें रिटर्न में मिलना, पैसा खर्च किया है उन के लिए अप्लाई किया हुआ है और पैसे भी दिए हुए हैं, काफी टाइम हो गया है, 11,800 रुपए सबसे लिए हुए हैं जब से हम यहाँ पे आए हैं, और उसके बाद अभी कुछ कहते हैं कोई टेक्निकल फ्लॉ है इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा। गाँवों में बिजली पहुँच रही है और गांव गांव में बिजली आ रही है, बिजली की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी सोसाइटीज में जहां लोग करोड़ों रुपया खर्च करके रहने के लिए पहुंचे हैं, अपने उन इलाकों को छोड़कर पहुंचे हैं जहां पूरी बसावट है, इसके बावजूद यहां समस्याओं का अंबार लगा है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।